चलो दोस्तों, अब हमने ये मोटर वाइंडिंग कर लिया है। मैं इसके आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा हम इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। ये हमारी सिलाई मशीन की कढ़ाई वाली मोटर है आधे एचपी में। चलो हमने ये अंदर की जो रनिंग जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके सिरे सारे बांध लिए हैं। एक ये सिरा हमारा रहेगा लास्ट का। चलो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं, पीछे चला गया था। ये कढ़ाई की मशीन मोटर है आधे एचपी में 1440 चक्कर में दोस्तों, और ये 24 स्लॉट में है। बाकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इसके वाइंडिंग कैसे करते हैं। चलो ये सिरे रह गए हमारे, इनकी चार कोयले डाल दिया टोटल हमने इसमें 1440 चक्कर में। चलो किसी एक स्टार्टिंग के सिरे को पकड़ लेंगे। ये स्टार्टिंग सिरा हमारा, ये एंड का सिरा है दोस्तों। चलो मैंने स्टार्टिंग का सिरा पकड़ लिया है। अब यहाँ से हमें कनेक्शन करनी है 1 2 3, यानी कि 1 से 3, ठीक है। यानी कि यहाँ हमने पहला छोड़ दिया, दूसरे से उठाया 1 2 3, ठीक है। अभी हमने यहाँ छोड़ दिया, उसके बाद हमारे ये पकड़ लेंगे हम जैसे ही निकला हुआ है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 से 3 गिनती रखनी है हमें। ये पक्के कर लेना है स्लीव डाल के, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ तरीका। चलो ये हमारा हो गया, ये लास्ट का सिरा बचा 1 2 3, हमने यहाँ से 1 से 3 कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये दो सिरे निकल आए हमारे स्टार्टिंग का, इसका भी स्टार्टिंग का, इसका भी स्टार्टिंग, ये दो सिरे हो गए हमारे रनिंग के, ठीक है दोस्तों। इसी तरह चार निकाल लेंगे, ये हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम इसके सिरे पकड़ेंगे, सिरे को ध्यान से पकड़ना है, रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट ना हो जाए। चलो ये हमने रनिंग के पकड़ लिए हैं, अब सॉरी स्टार्टिंग के, ये सेम हमने यहाँ से पकड़ा था तो हम इसके आसपास में ही ले लेंगे। चलो हमने स्टार्टिंग का छोड़ दिया है, चलो हम स्टार्टिंग का कनेक्शन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में भी हमें सिरा जैसे ये कोयल है इसका स्टार्टिंग का ये पहला सही है, अपने आप ही चल गया, अपने आप चल रहा भाई, ठीक है। चलो हम यहाँ से ये पहला छोड़ दिया हमने 1 से 3, सेम इसमें भी वही रखना है 1 2 3, ठीक है दोस्तों। 1 से 3 इसका स्टार्टिंग आ गया, 1 2 3, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग, एंड से एंड, ठीक है 1 2 3। इसके भी हमारे पे दो सिरे बच गए हैं, ठीक है। सेम इसी तरह कनेक्शन कर लेने हैं, स्लीव डाल के अपने टाइट कर लेना दोस्तों। चलो मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर आपको क्लच प्लेट लगाना सिखाऊंगा इसका, किस तरह लगाते हैं हम। हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। चलो मैंने धागा मार ही रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको। चलो मैं फटाफट धागा मार के दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। हमारी इस पे कनेक्शन निकाल दिए हमने, चार वायर निकाल लिए हैं, दो रनिंग के, दो स्टार्टिंग के दोस्तों, और हमने इस पे वार्निश वगैरह डाल के रख दी है। चलो मैं अब इसकी क्लच वगैरह आपको सेट करके दिखाएंगे, क्लच वगैरह प्लेट कैसे सेट करते हैं इसकी, और हम प्रॉपर सेटिंग दिखाएंगे क्लच प्लेट की। कई बार क्या है, क्लच प्लेट के कारण ही हमारी मोटर ज़्यादातर फूकती हैं, ये जो हमारी क्लच वाली मोटर होती हैं ज़्यादातर क्लच के कारण ही फूकती हैं। चलो मैं आपको दिखाऊंगा क्लच को हम कैसे सेट करेंगे, और क्लच को डालने के बाद कैसे चेक करते हैं ताकि हमारी क्लच सेट हो चुकी है नहीं हुई है, हम क्लच को किस तरीके से सेट करते हैं ये चीज़ भी बताऊँगा दोस्तों आपको। थोड़ा ध्यान से देखते रहना वीडियो को। चलो दोस्तों, अब हम इसकी क्लच प्लेट नई मंगा ली है मैंने, वैसे इसकी हालांकि ठीक थी, फिर भी हम नई चेंज कर देते हैं क्योंकि इनका भरोसा नहीं होता। कई बार सेम मोटर फूकती है हमारी, ये दिख रही होगा आपको। चलो मैंने नई क्लच प्लेट मंगा ली है, चलो हमने ये पाड़ लिया। चलो हम इसे सेट करके दिखाएंगे आपको, दो पीस मंगा ली थी, दो मोटरों में लगानी है हमें। पहले सबसे पहले इसमें वायर जोड़ लेंगे, वायर जोड़ने का तरीका भी ध्यान से सुनना, वायर भी हमारे प्रॉपर लगे होने चाहिए इसमें। कई बार वायर भी हम ऐसे लगा देते हैं लूज रहता है, जिससे क्या स्पार्किंग होकर हमारी मोटर को डेड कर देती है, कैपेसिटर टच नहीं होगा तो फूक जाएगी मोटर। चलो दोस्तों, इस तरह वायर ले लेंगे हम, 1 mm की वायर ले ली है नीचे से, इसे लंबा छील लेना हल्का सा, और सोल्डिंग करेंगे साथ में हम, ताकि हमारी स्पार्किंग किसी प्रकार से ना रहे। हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और इसे नीचे से घुमा के इस साइड निकाल लेंगे। क्लच में ही कई बार हम गलती करते हैं, जिससे कि हमारी मोटर में शिकायत आती रहती है क्लच प्लेट वाली मोटरों में। चलो दोस्तों, से अच्छी तरह टाइट कर लेंगे प्लास से। ये हमारा टाइट हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम इसमें ना सोल्डिंग कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सेम दोनों साइड ले लेते हैं, एक लंबी वायर ले लेंगे इस तरीके से, से भी लंबा, थोड़ा लंबा सा छील लेंगे। लंबी छीलने के बाद सेम इस साइड से डाल ली दोस्तों, जैसे निकाल के वापस। ये हमने इसमें से निकाल ली,
छोटी हमारी दो चलने तो दोस्तों इस पर स्लीव डाल देंगे। ये हमने दो नट लगा लिए हैं सिंपल तरीके से, इस पर पेपर लगा के नट लगा लिए, ये पेपर काट के कटिंग करके लगा लिया हमने। स्लीव डाल देंगे दोस्तों दो टुकड़े, ठीक है दोस्तों स्लीव डाल देंगे हम इसमें। ये हमने पेपर इसलिए लगाया ताकि हमारा ये वाटी के टच ना हो अंदर के वायर, और ये जो चलो ये हमारे लग गया है। चलो मैं फिट करने का दिक्कत करता हूँ, पहले तो हमें इसके आगे वाला टापा लगा लेना है, और ये भी देख लेना है इसका बोबिन वगैरह ठीक लगाया है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। हल्का बहुत ग्रीस वगैरह या तेल तुल इस पर लगा लेना है दोनों साइड, ताकि लूज रहे हमारा प्रॉपर काम करे, किसी कारण से अड़े ना चलते समय, जिससे हमारी मोटर बची रहे, ठीक है दोस्तों। देखो बच्चे कर रहा है, चलो हम इसे आगे से फिट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमने दो वायर निकाल अपने यहाँ से, दो जो प्लस के वायर हमने अलग ही ले लिए हैं, वो से अंदर कर लेते हैं कनेक्शन पर भर लिए हैं। चलो दोस्तों इन वायर को खींच लेंगे हम, इसमें से निकाल लिया हमने हम पहचान की वजह से, हमने अपना अलग येलो कलर की तरह डाल दिए हैं, कलर को सही बैठाना है। कलर को चेक कर लेंगे हम फिट करने के बाद, टाइप करके अब हम टिकट चेक कर लेंगे पहले, हमारी कल नहीं, ठीक है दोस्तों हमारी फिट हो गया। ये हमारी दो क्लच की तार थी, पहले हम ये चेक कर लेंगे सीमा लगा के कि हमारा बल्ब ग्लो हो रहा नहीं, यानी कि हमारा बल्ब ग्लो होना चाहिए इसमें, तो मैंने सीज की तार ले लिया, हम इन दोनों में लगा के देखेंगे पहले हमारा बल्ब ग्लो सीज हमारी क्लच प्लेट काम कर रही है नहीं, सबसे पहले इसे चेक कर लेना है दोस्तों। हमारी क्लच नहीं काम कर रही है, बल्ब ग्लो नहीं हुआ, यानी कि हम थोड़ा सा दोस्तों चेक कर लेते हैं, हमने उसको खोल के हल्के से टोटल टाइट कर लेते हैं, इससे हमारी क्लच पूरी टाइट रहे। चलो तो चेक करते हैं हम, क्लच के तार जोड़ दिए हमने, बल्ब हमारा ग्लो होगा, देखो बल्ब ग्लो हो गया है, दिख रहा होगा आपको बल्ब, ठीक है निकला के देख लेते हैं कि बल्ब ब्लिंक करेगा तो हमारी क्लच हट जाती है, ठीक है दोस्तों। हमारा बल्ब ग्लो हुआ है दोस्तों 60-80 EFD का लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग का पैसा है दोस्तों। चलो दोस्तों हम कपैसा लगा लेते हैं, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को ले लेना है साथ में, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को जोड़ लेंगे हम आपस में, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद हमारे पे दो वायर बच गए हैं, एक क्लच का एक हम इसमें कपैसा जोड़ लेंगे, ये हमारी रनिंग है, रनिंग में हम कपैसा जोड़ लेंगे एक में, ये रनिंग में कपैसा जोड़ लिया, रनिंग स्टार्टिंग जोड़ लिया, ये हमारे बच गई स्टार्टिंग, इस स्टार्टिंग का इस वायर को हम क्लच के साथ जोड़ लेंगे, क्लच की एक वायर के साथ जोड़ लेंगे। इसमें भी एक सिंपल तरीका है चेक करने का कि क्लच काम कर रही है, पहले हमें इसे लगा के रखना है, जैसे ही मोटर चालू हो जाए हटाना है, लगाना है हटाना है, लगाना है, इसे जो स्पार्किंग करेगा तो हमारी क्लच काम नहीं कर रही है, जो स्पार्किंग ना करे तो क्लच ठीक है। चलो हम इसे लगा के चेक करते हैं, हमारी मोटर चल रही है नहीं। चलो दोस्तों ये हमने लगाया, ठीक है हमारा ठीक है, करंट वगैरह चेक कर लेते हैं, करंट नहीं है मोटर में। चलो हम इसे डायरेक्ट लगा के चेक कर रहे हैं हमारी मोटर ठीक है या नहीं, यानी कि हमारे कपैसिटर काम नहीं कर रहा, इसमें कपैसिटर खराब है हमारा। तो दोस्तों हमारा कपैसिटर खराब है, पर हम इसे मोटर को चेक कर लेते हैं एक बार धक्का लगा के, हमारी वर्क कर रही है नहीं, धक्का पूरा लग नहीं पा रहा है। चलो कोई एक्स्ट्रा कपैसिटर ले लेंगे 10 या 20 का, ये हमारा 20 MFD का, चलो इसे लगा के चेक कर लेते हमारी मोटर प्रॉपर है जो हमने वाइंडिंग की है। इसमें 80-100 का अपना कपैसिटर ला के लगा लेंगे हम, कनेक्शन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक स्टार्टिंग का वायर एक कपैसिटर का वायर इसका प्लस का। चलो पहले मोटर चेक कर लें, ठीक है ठीक है दोस्तों, मोटर हमारी वर्क कर रही है, ठीक है दोस्तों। क्लच भी देखो क्लच की आवाज़ आई कट, ठीक है दोस्तों आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, यानी कि मोटर हमारी प्रॉपर ठीक चल रही है। हम कपैसिटर लगा के लगा लेंगे, कपैसिटर कनेक्शन बता देता हूँ एक बार आपको मैं, एक बार ध्यान से देखना, एक रनिंग का लिया है, मिले स्टार्टिंग ले लिया, मेन वायर होगी हमारी, ठीक है। एक हम यहाँ कपैसिटर लगा लेंगे, स्टार्टिंग कपैसिटर ये हमने यहाँ जोड़ दिया है, ठीक है, ये हमारी दोनों मेन वायर होगी हैं। इससे हम क्या करना है, दो वायर बचे हमारे, एक वायर को हम क्लच के साइड में जोड़ देंगे, एक वायर को हम यहाँ जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। बस ये हमारी दोनों पर टेप मार देंगे दोस्तों, ये हमारी मेन वायर होगी हैं, समझ आ गई होगी आपको, ठीक है दोस्तों। कैसे लगी जानकारी जरूर बताना कमेंट में।